अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सहर आल टिप्स विद इस्लामिक वज़ाइफ़ के साथ मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, थैंक यू। अच्छा, तो दोस्तों मेरी आज की जो वीडियो है दांतों के हवाले से है, दांतों का पीलापन दूर करने के और दांतों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कीड़ा लग जाता है, हज़ारों रुपये देकर हम उसको वॉश करवाते हैं, वो घर में ही छोटी सी टिप्स आप यूज़ करके उसको घर में ही ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और वो टिप क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 सिंपल दो चीज़ें हैं वो जो घर में ही आपको मिल जाएंगी तकरीबन 10 रुपये में, अगर आप बाहर से भी लाओगे तो 10 रुपये में पड़ेंगी, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है मीठा सोडा जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ है नमक। और ये दोनों चीज़ें ही घर में मौजूद होती हैं। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, टू टेबल स्पून जितना भी वैसे आपने बनाना है आप उतना बना सकते हो। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मीठा सोडा जिसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें हम 2 टेबल स्पून ही नमक ऐड करेंगे। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करें। इट्स डन। इसको आप किसी छोटे से कंटेनर में रख दें और इसको यूज़ करें। तो इसको यूज़ आपने कैसे करना है, तो दोस्तों इसका यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसको आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना, या इसको आप हाथ से लगा लें या जिस जैसे भी आप करते हैं। इसको ब्रश में ऐसे पोर करें उसके बाद इसको यूज़ कर लें। इसको ज़्यादा आपने नहीं लगाना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। बस इतना मैं आपको बता चुकी हूँ, इतना ही आपने यूज़ करना है, आपके 2-3 महीने आराम से गुजर जाएंगे। तो इसको आपने यूज़ मैंने आप बता चुकी हूँ, आपने सुबह यूज़ करना है और शाम को सोने से पहले यूज़ करना है। हाँ, अगर आपको तस्कीन मिलती है कि आपको बाद में पेस्ट करने की आदत है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये यूज़ करें, उसके बाद पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। हाँ, इसको कौन यूज़ नहीं कर सकते, इसको जो शुगर के मरीज़ हैं वो ना यूज़ करें, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो इसको यूज़ ना करें, ठीक है। बाकी जिसको जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये यूज़ करें, यकीन करें पीलापन दूर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कीड़ा दूर होगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करें और मुझे इसका फीडबैक दें, ठीक है। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, और मुझे आप ही बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं कौन सी वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।